जो मैं मेन रीज़न समझता हूँ ना मेरे रिकॉर्ड आने की, मेरी नेटवर्किंग हो गई है। 1.5 मंथ्स के बाद मैं बर्नआउट हो गया। इसके अलावा कोई और फील्ड देख लूँ, इसमें तो कोई मिल नहीं रहा सक्सेस। आयरिश बेस्ड एजेंसी है, डॉलर्स में कमाना होता है वही गोल होता है। 15 मेंबर्स की टीम है। रिकॉर्ड के बाद काफ़ी वैल्यू ऐड हुई है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान हैदर है एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम गुजरात, लेकिन लाहौर में रह रहा हूँ अपनी स्टडीज़ के लिए। रिकॉर्ड मैंने ज्वाइन किया था 6 मंथ्स अगो फॉर द कोर्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। इस पे आने से पहले मैं आपका अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं बेसिकली खारियाँ से हूँ, गुजरात के साथ ये लगता है। तो खारियाँ आपने सुना होगा, इनेबलर्स का ऑफिस भी वहाँ पर आया है 2 ईयर्स अगो। कॉलेज के बाद मैंने मतलब इनेबलर्स को ऑनलाइन काफ़ी ट्रेंडिंग जा रहा था, ये 2021 की बात है, लेट 2021 की। कॉलेज के दौरान ही मुझे था कि कुछ करूँ, अमेज़ॉन उस वक्त काफ़ी बूम पे था, पीक पे था। उस वक्त मैंने EVS का एक्सेस लिया, तो EVS का एक्सेस लिया और जब मैंने कोर्स कर लिया EVS का, तो मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ, तो मैंने कहा वर्क ही ज्वाइन कर लेते हैं। वर्क जब ज्वाइन किया तो उससे भी काफ़ी हेल्पफुल हुई। रोज़ डेली मैं 3 मंथ्स के लिए वर्क जाता था, उधर जाके प्रैक्टिस करता था अमेज़ॉन वगैरह। प्रोडक्ट हंटिंग होगी, सोर्सिंग होगी, इस तरह के काम, मतलब अलीबाबा से सोर्सिंग होगी, अमेज़ॉन पे डिफरेंट नीशेज पे हंटिंग वगैरह होगी, डिफरेंट कैटेगरीज में अच्छी जा रही थी, प्रैक्टिस हो रही थी साथ साथ। लेकिन 1 मंथ के बाद मैं तकरीबन 1.5 मंथ्स के बाद मैं बर्नआउट हो गया कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे वापस कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, करता जा रहा, लेकिन मैं लगा रहा। इन दी एंड 3 मंथ्स के बाद मैंने कहा ये इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब जिस तरह मैंने सोचा हुआ था अमेज़ॉन मेरे लिए जाएगा वो नहीं गया, तो इस वजह से मैंने इस फील्ड को छोड़ने का सोचा। मैंने वहाँ से वर्कशॉप में लाहौर आ गया अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, और इधर आके मैंने डिजिटल मार्केटिंग परस्यू की। मेरा दोस्त एक करता था वैसे डिजिटल मार्केटिंग, तो उसने मुझे कहा इस फील्ड में आ जाए, तो मैंने हल्का हल्का सीखा, उससे सीखा, ऑनलाइन कोर्सेज से सीखा, लेकिन मुझे इतना कोई हाथ समझ नहीं आई। EVS पे जब मैंने सीखा था ना, एक तो मुझे ये था कि कोई मेंटर का सपोर्ट नहीं था, तो फ्री मतलब ऑनलाइन सीखना था, खुद ही करना सब कुछ है। वर्क में मेंबर्स तो थे हेल्प करने के लिए, लेकिन जो मेंटरशिप थी ना वो मुझे नहीं मिली, उस वजह से मुझे एक डिफिकल्टी फेस करने को मिली। और दूसरा, मुझे क्लाइंट्स हंट करने में, ग्रैब करने में थोड़ा इशू आ रहा था, तो इस वजह से मैं भी काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ कि इसके अलावा कोई और फील्ड देख लूँ, इसमें तो कोई मिल नहीं रहा सक्सेस। एक दो मतलब छोटे छोटे काम हो गए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ये काम वगैरह मैंने किए हुए हैं, कीवर्ड रैंकिंग की हुई है, इस तरह के काम मैंने किए हुए हैं, लेकिन इसको मैं अप लेवल पे अमेज़ॉन को नहीं लेके जा सका। उसकी यही रीज़न थी कि मेंटरशिप में मुझे नहीं मिली। उस टाइम पे नया नया रिकॉर्ड आया था, 2022 की ये बात है, इनेबलर का एक है एड आया था कि वी आर लॉन्चिंग कॉलेज, इनेबलर्स कॉलेज, तो ये कोर्सेज हैं, तो उसमें मुझे डिजिटल मार्केटिंग मिला जो मैं कर रहा था ऑलरेडी। तो मैंने कहा ये बेस्ट चांस है मेरे लिए, एक तो पहला बैच होगा और दूसरा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मेंटरशिप भी मिलेगी। रिकॉर्ड जब मैंने ज्वाइन किया था, तो शुरू में हर नए चेहरे भी देखने को मिले थे, क्लास फेलोज वगैरह, लेकिन उनके साथ बॉन्डिंग वगैरह भी होगी, जो भी इक्वेरीज वगैरह मेरी होती थी ना या बाकियों की होती थी क्लास फेलोज की, वो ऑन टाइम मतलब आंसर करते थे। जब भी मिस के ऑफिस चले जाएँ, सर के पास चले जाएँ, उसी टाइम मतलब रिप्लाई दे देते थे और अच्छा रिप्लाई देते थे किसी चीज़ में भी, एड्स में किसी चीज़ में भी हमें अगर कोई इशू आता था। तो 6 मंथ्स का ये कोर्स था मेरा, तो इस कोर्स से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज मुझे फेसबुक एड्स की मुझे सीखने को मिले, गूगल एड्स की सीखने को मिली। सर ने मतलब काफ़ी कोऑपरेट किया था हमारे साथ। रिकॉर्ड से पहले तो मैं कह रहा था, लेकिन रिकॉर्ड के बाद काफ़ी वैल्यू ऐड हुई है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सीखने के अलावा जो मैं मेन रीज़न समझता हूँ ना मेरे रिकॉर्ड आने की, मेरी नेटवर्किंग हो गई है जो कि पहले नहीं थी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। कोर्स ख़त्म होने का यह मतलब नहीं है कि रिकॉर्ड वगैरह आपको मतलब छोड़ देंगे, वो आपको साथ रखेंगे, वो जब आप उनको मतलब उनको रीच आउट करोगे तो आपको ऑन टाइम हेल्प करेंगे, आपको ऑन टाइम आंसर्स देंगे और आपको मतलब गाइड करते रहेंगे। मेरे और मेरे दोस्त है, वो आउट ऑफ कंट्री होता है, आयरलैंड होता है, हमने दोनों ने एक एजेंसी बनाई हुई है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एजेंसी हमारी अहमद सॉल्यूशंस है, उसका नाम है अहमद सॉल्यूशंस, उसका डोमेन है ahmedsolutions.ie, आप ज़रूर विज़िट करें। तो हमारी राउंड अबाउट इस वक्त 15 मेंबर्स की टीम है, तो हम मिल के मतलब सारे हैं, मार्केटर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, लीड जनरेशन वाले हैं, तो हम मिल के मतलब क्लाइंट्स हैंडल करते हैं, क्लाइंट्स को सर्विसेज और फुलफिलमेंट वगैरह दे रहे हैं। एजेंसी ने मुझे काफ़ी हेल्प किया था जब मैं अमेज़ॉन के डेज में था, मेरे दोस्त ने मुझे रीच आउट किया था, उसकी एजेंसी बनी हुई थी, उसने कहा था मुझे कि मेरे पास आ जा, मेरे पास काम कर ले, डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए मेरा एक नेटवर्क बना होता है, उस अपॉर्चुनिटी को, उस नेटवर्क को मैंने अवेल किया और डिजिटल मार्केटिंग सीखी, उस डिजिटल मार्केटिंग को फर्दर मैंने परस्यू किया था रिकॉर्ड आके। हमारी जो एजेंसी है अहमद सॉल्यूशंस, आयरलैंड बेस्ड है, आयरिश बेस्ड एजेंसी है, हम इंटरनेशनल मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, वो डॉलर्स में कमाना होता है वही गोल होता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के क्लाइंट्स हैं,
अराउंड अबाउट हमारे 10 टू हैं 12 क्लाइंट्स हैं बल्कि हमारे, तो फेसबुक एड्स के क्लाइंट्स हैं, गूगल एड्स के हैं, ज़्यादा गूगल और फेसबुक एड्स के हैं क्योंकि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का ऑब्वियसली काम है। उसके अलावा हमारी एजेंसी में लीड जनरेशन वाले हैं, वो हमें मतलब क्लाइंट्स जो हैं हंट करके देते हैं, नए क्लाइंट्स हमें ला के देते हैं जो कि इन दी एंड हमारी एजेंसी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता है। इनेबल्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है साकिब साहब ने, फैसल साहब ने, एक तो यूथ एम्पावरमेंट है और एक तो प्रॉपर एक कॉलेज बन गया है जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं सीखते हैं स्किल्स वगैरह। और उसके अलावा स्किल्स के अलावा ये जो इन लोगों ने डिग्रीज ऑफर की हैं मतलब ये पिछले दिनों में, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। और मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा ईकॉड एटलीस्ट एक बार विजिट करें और आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और इधर से कोई ना कोई स्किल पकड़ लें, कोई ना कोई कोर्स पकड़ लें, उसको सीखें और आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारी स्किल्स हैं ऑनलाइन सीखने को। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का पाकिस्तान में आ गया हुआ है, एक मतलब एक वेव आ गई हुई है, उसको बैटल करने के लिए हमारी यूथ ने बेसिकली मतलब स्टेप्स लेने हैं और ये स्टेप्स सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू ही होने हैं। मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मैं रिकमेंड करूँगा डिजिटल मार्केटिंग अभी इनिशियल फेजेस पे अभी इसने बूम करना है। ये एजेंसी का बिजनेस है जो डिजिटल मार्केटिंग एड्स वगैरह है, फेसबुक ऐड सीखें, गूगल ऐड सीखें, ये सीखें और इस फील्ड में आएँ और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक तो ग्रो करने का भी चांस भी है और डॉलर्स अर्न करने का भी चांस हुआ।